क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास में वाटर पार्क के सामने कृष्णा मेडिकल स्टोर में दुकान मालिक विवेक दीक्षित के यहाँ 60,000 रुपए से ज्यादा की नगदी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर इतने सातिर थे कि वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और फिर शटर का ताला तोड़ के दुकान के अंदर चले गए। फिर उन चोरों ने बिना किसी डर के नगदी रुपए चोरी कर लिए। दुकान मालिक ने बताया कि मैं 8 बजे जब दुकान खोलने आया तो देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ है और कैमरा भी छत विक्षत है। फिर तुरंत 112 डायल करके पुलिस को सूचना दी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुलिस का गश्त रात में ना के बराबर होता है, जिससे अराजक तत्वों के अंदर कोई भय नहीं है। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता रामेश्वर मिश्रा की खास रिपोर्ट। कैसे पता चला कि चोरी कब तक क्या हुआ? मैं अभी मॉर्निंग में आया करीब 8:30 बजे, तो ये शटर जब मैंने ओपन किया तो ये वाला शटर खुला हुआ था। ये शटर वैसे ही बंद था और कॉर्नर वाले शटर का भी ताला टूटा हुआ था। जब मैं अंदर आया तो सारी रैके वगैरह खुली हुई थी, जितनी जो रैके थी, और कैश गायब था रैक से। बाकी सामान वैसे जैसे रखा हुआ था, सामान सारा वैसे ही रखा था। और जो उधर से फ्रंट पे जो कैमरा कैच करता था, वो कैमरा पीछे से तोड़ा गया। कैसे भी उन लोगों ने कैमरा वो तोड़ा था, लेकिन सेकेंड फुटेज में उसकी फ़ोटो आई। कितने लगभग सामान चोरी किया, पैसे क्या चोरी? सामान तो कुछ नहीं हुआ, 60,000 रुपये कैश था वो चोरी हुआ। 60,000 रुपये चोरी। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी अपराधी हो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए।